मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स का मेरे चैनल मुंबई स्पाइस में प्यार भरा वेलकम है। आज मैं बनाने वाली हूँ चाइनीज़ समोसा। इसके लिए यहाँ पर मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। मैंने 3 कप मैदा लिया है, यानी ऑल पर्पस फ्लार, काली मिरी का पाउडर लिया है, सिरका यानी कि विनेगर लिया है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस लिया है, जायके के मुताबिक हम नमक लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप चिकन को उबाल कर लिया है। बंद गोभी ली है, गाजर लिया है और हरी प्याज ली है। 2 कप बॉयल नूडल लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन बारीक काट के लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक बारीक काट के लिया है। 1 टीस्पून मैजिक मसाला लिया है हमने मैगी का। 2 टेबल स्पून तेल लिया है। ज़रूरत के मुताबिक हम पानी यूज़ करेंगे। 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हम हल्का हल्का सिमर होने देंगे। ऑयल हल्का हल्का गर्म हो चुका है, इसमें हम बारीक कटी हुई अदरक और लहसुन को ऐड करेंगे। अब इसमें हम बारीक कटी हुई बंद गोभी यानी कि कैबेज ऐड करेंगे। कैबेज को 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। कैबेज को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, इसमें हम बारीक कटी हुई गाजर ऐड करेंगे। हम इसे 1 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम इसमें स्प्रिंग ऑनियंस यानी कि हरी प्याज ऐड करेंगे। सारी वेजिटेबल्स को 1 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। जायके के मुताबिक नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून काली मिरी का पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम कढ़ाई में बॉईल की हुई नूडल्स ऐड करेंगे। हम नूडल्स और वेजिटेबल्स को 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। बॉईल की हुई चिकन को ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। वन टेबल स्पून विनेगर यानी सिरका ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे।
अगर आप इसे थोड़ा और स्पाइसी करना चाहते हो तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं। मैजिक मसाला ऐड करेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारे चाइनीज़ समोसे के लिए स्टफिंग रेडी होने आई है। चाइनीज़ समोसे की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। मैदे में हम पहले नमक ऐड करेंगे। हम इसमें तेल ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे को अच्छे से मसल लेंगे। अब इसमें ज़रूरत के मुताबिक हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। हम अच्छे से सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। देखिए हमने आटे को बहुत अच्छे से गूंद लिया है। अब इसमें हम हल्का हल्का तेल लगाएंगे। आटे को हम अच्छे से रोल करके अंदर की तरफ टक कर लेंगे। हम इसे हल्का सा तेल अप्लाई करेंगे। अब इसको आधे घंटे के लिए कवर कर लेंगे। हम लिड को ओपन करेंगे। देखिए हमारा आटा बहुत अच्छे से रेस्ट हो चुका है। हम इसके छोटे छोटे लोए बना लेंगे। हम लोए को अच्छे से रोल करेंगे। हम बिल्कुल महीन से रोटी बेल लेंगे। देखिए हमने बहुत अच्छे से इसे रोल कर लिया है। हम इसके कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। अब इसे हम तवे पर कच्चा पक्का सेक लेंगे।
देखिए इसी तरह से हम सभी रोटी को रोल करके कट करके कच्ची पक्की सेक लेंगे। मेरे समोसे पट्टे की रोटी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है, हम इसको कटिंग करेंगे। हम इसी तरीके से सभी रोटियों को कट कर लेंगे। हम समोसे की पट्टी को रोल करेंगे इस तरीके से और इसमें स्टफ फिल करेंगे। इस पर हम मैदे और पानी से बनाया हुआ घोल अप्लाई करके इसे रोल कर लेंगे। और इसे सील कर देंगे। इसी तरीके से हम सभी समोसे को रेडी कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, चाइनीज समोसा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हम इसे फ्राई करेंगे। हमने समोसे को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। हम एक एक करके सभी समोसे इसमें ऐड करेंगे। समोसे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हम इसे फ्लिप करेंगे। इसमें हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लगा है। हम इसे 2 मिनट और फ्राई करेंगे। हमारे चाइनीज समोसे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। हम इसी तरीके से सभी समोसे को फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह, देखिए हमारे चाइनीज समोसे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बड़े ही क्रंची और डिलीशियस बने हैं ये। हम इसे सर्व करेंगे होममेड शेजवान चटनी के साथ। आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं और मेरी रेसिपी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं और अपने स्पेशल फीडबैक्स YouTube के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।